नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ RRB NTPC 2019 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 12। इसके पहले मैं 11 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर दे दिया है जहाँ पर लाइव लिखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको टोटल 10,000 प्रश्न कंप्लीट करवाऊंगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको 4,000 क्वेश्चन जीके के होंगे, 4,000 क्वेश्चन जीएस के होंगे और 2,000 क्वेश्चन होंगे लास्ट वन ईयर करंट अफेयर्स के। इस प्रकार हम 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मैं टोटल 100 मॉक टेस्ट करवाऊंगा और हर मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। इस प्रकार हमारे 10,000 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको हर क्वेश्चन में 10 सेकंड का वक्त दूंगा। 10 सेकंड के अंतर्गत आपको उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको समय कम लग रहा हो तो आप वीडियो को रोक कर, मतलब पॉज कर आंसर दे सकते हैं, उसके बाद मैं आपको उसका सही उत्तर बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने हमारे 10,000 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए तो यकीन मानिए कि RRB NTPC की एग्जाम में जो आपको 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके जीएस और करंट अफेयर्स के, उसमें से आप आसानी से 35 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट नंबर 12 शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो नंबर 12 शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सभी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर देखते हैं हम। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न है, अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो को रोक कर पॉज कर आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है तीसरे नंबर का, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा चौथे नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे चौथे नंबर का प्रश्न। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे पांचवें नंबर का क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पांचवें नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा छठे नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे फास्ट तरीके से, जल्दी से आपको देना है आंसर। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फास्ट तरीके से। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ चुका है, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज करके रोक के भी आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आ चुका है आपके, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, जल्दी से दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर भी देख लेते हैं हम। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आ चुका है, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे। इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें फास्ट तरीके से, सभी स्टूडेंट्स आंसर दें। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 11 का।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर समय कम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रोक के भी आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 14वें नंबर का। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही है उनका जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 15वें नंबर का प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या होगा सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 16वें नंबर का प्रश्न। फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से फास्ट तरीके से। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सभी स्टूडेंट्स फटाफट फास्ट तरीके से जितनी जल्दी हो सके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर आप वीडियो को रोक के भी आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। आप फास्ट तरीके से आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे फास्ट तरीके से। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 21वें नंबर का प्रश्न है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल सही उत्तर है उनका। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। अगर आपको समय कम लग रहा है 10 सेकंड तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं हम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 25 का कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के आंसर देने में, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका सही उत्तर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए इसका सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगर आपको समय कम लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके या फिर रोककर आप आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे फास्ट तरीके से, जल्दी से आपको आंसर देना है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया है क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका फास्ट तरीके से, आपको बहुत जल्दी बताना है इसका आंसर। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 34 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं हम। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है क्वेश्चन नंबर 34 का बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 35 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके या रोक के भी आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 36 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 37 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर उनका क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए दोस्तों हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर आपको फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर का प्रश्न आ गया स्क्रीन पर, फटाफट सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 43 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको कम लग रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, तो आप वीडियो को रोककर पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 44 का। फास्ट तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 45 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर का प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 46 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 47 जो कि स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 48 स्क्रीन पर आ चुका है, सभी स्टूडेंट जल्दी से रीड करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 49 49वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में इसका। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का प्रश्न है हमारा, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 51 51वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे 51वें नंबर के प्रश्न का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 51 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, 52वें नंबर के प्रश्न का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 52 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 54 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 55 फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 55 का, जल्दी देना है आपको आंसर। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55। 55वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 56 56वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 56 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल सही उत्तर उनका क्वेश्चन नंबर 56 का।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 57। फटाफट सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रीड करेंगे, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 57 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 58 का। आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, जीके क्वेश्चन है, जीके जीएस और जीए। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है क्वेश्चन नंबर 58 का बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 59 59वें नंबर का प्रश्न है, सभी स्टूडेंट फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे पांच तरीके से। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59। 59वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 60 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 60 का। आपको फास्ट तरीके से आंसर देना है। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, 62वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। अगर आपको समय कम लग रहा है तो वीडियो को रोक के भी आप आंसर दे सकते हैं। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 62 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 63, 63वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 63 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 64 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 64 का। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है क्वेश्चन नंबर 64 का बिल्कुल सही उत्तर है उनका। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, फटाफट सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे फटाफट पांच तरीके से। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 66, फटाफट सभी स्टूडेंट्स रीड करेंगे क्वेश्चन और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 66 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 66 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 67 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 67 का। पांच तरीके से आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 68 स्क्रीन पर आ चुका है, 68वें नंबर का प्रश्न, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 68 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है क्वेश्चन नंबर 68 का बिल्कुल सही उत्तर है उनका। 68वें नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 69, 69वें नंबर का प्रश्न है, स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 69 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल सही उत्तर है उनका। जिन भी ने भी 69वें नंबर का उत्तर ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 70वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 70वें नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 71, 71वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 71 का।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 72 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 72 का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 72 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 73 73वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे 73वें नंबर के प्रश्न का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 73 का। अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 74, फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 74 का कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 74 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 75, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 75 का फास्ट तरीके से। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 76 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट फास्ट तरीके से सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 76 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 77 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों उसका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। 77वें नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है जो कि स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 78 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78। 78वें नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 79 नंबर का प्रश्न है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का फास्ट तरीके से। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए चुना है क्वेश्चन नंबर 79 का बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 80वें नंबर का प्रश्न है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 80 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 81 81वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 81वें नंबर के प्रश्न का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने सी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका 81वें नंबर के प्रश्न का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 82 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 82 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 83 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 83 का फास्ट तरीके से। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 83 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 84 जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट जल्दी से पांच तरीके से सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 84 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 85 85वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 85वें नंबर के प्रश्न का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका 85वें नंबर के प्रश्न का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 86 86वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 86वें नंबर के प्रश्न का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। 86वें नंबर का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 87 जो कि स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 87 का फास्ट तरीके से। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 87 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 88 जो कि स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही उत्तर देना है फास्ट तरीके से। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 89 स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 89 का। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 89 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 90 नंबर का प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होगा 90वें नंबर के प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों 91वें नंबर का प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट को रीड करना है क्वेश्चन, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देना है फास्ट तरीके से, बिल्कुल फास्ट तरीके से। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका 91वें नंबर के प्रश्न का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 92 जो कि स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 92 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 92। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 93 स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 93 का। चलिए इसका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 93। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 94 94 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे 94 नंबर का प्रश्न का। चलिए इसका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 94 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 95 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 95 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 95 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 96 स्क्रीन पर आ गया, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 96 का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका क्वेश्चन नंबर 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97, फटाफट सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 97 का फास्ट तरीके से। जल्दी से क्वेश्चन को रीड कीजिए और आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 97 का। आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह आपको डेली टेस्ट देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, फटाफट सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 98 का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 98। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 99 आ गया है, फटाफट सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 99 का। चलिए इसका सही उत्तर चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 99 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों तो अंतिम प्रश्न आ गया है इस वीडियो का, फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे 100वें नंबर के क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर डी को चुना है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। दोस्तों बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज हमने एक और मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स ये जरूर बताएं कि आपको इस मॉक टेस्ट में 100 में से कितने मार्क्स आए, साथ साथ अपने आरआरबी जोन का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।
जिससे कि ये पता पड़े कि किस जोन में कितना कंपटीशन चल रहा है, सभी स्टूडेंट्स को कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। जितने भी वीडियो आएंगे इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत, मैं आपको 100 मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ, सभी की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा और ऊपर आई के बटन पर भी जोड़ दूंगा जहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।